Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9 subject English unit 2 reading A, The Race. In the last video lecture, we discussed question answers and vocabulary and today we will see grammar parts. So let's start. Look at the sentences from the lesson. I can train you if you want. मैं तुम्हें train कर सकता हूँ यदि तुम चाहोगे. If you win the race, I will train you. यदि तुम रेस जीत जाओगे तो मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा या यदि तुम रेस जीत जाते हो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूँगा. ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस हैज़ अ क्लॉज स्टार्टिंग विथ इफ. दीज आर कॉल्ड कंडीशनल क्लॉजेज. क्लॉज मीन्स उपवाक्य. इन सेंटेंसेस में इफ यू वांट एक क्लॉज है और इफ यू विन द रेस ये भी एक क्लॉज है. ऐसे क्लॉज को कंडीशनल क्लॉज कहते हैं जिनके साथ इफ जुड़ा हुआ हो. इफ यू वांट यदि तुम चाहते हो या यदि तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ. इफ यू विन द रेस मींस यदि तुम रेस जीतोगे या जीत जाओगे तो मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा. दीज आर नोन एज ओपन फुलफिल्ड फैक्चुअल रियल कंडीशनल क्लॉजेज. ऐसे क्लॉजेस को क्या कहते हैं? ओपन फुलफिल्ड फैक्चुअल या फिर रियल कंडीशनल क्लॉज कहते हैं. इफ द कंडीशन इज लाइकली टू बी फुलफिल्ड देन द एक्शन वुड टेक प्लेस इन फ्यूचर. यदि ये जो कंडीशन है इफ यू वांट इफ यू विन द रेस ये जो कंडीशन है यदि ये फुलफिल होती है तब आगे का जो एक्शन है जैसे आई कैन ट्रेन यू ये जो एक्शन है वो भी फ्यूचर में होती है. यदि ये कंप्लीट होती है यदि तुम रेस में जीत जाते हो तब क्या होगा? ये वाली जो एक्शन है वो कंप्लीट होती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा. यानी एक एक्शन कंप्लीट होती है, एक कंडीशन कंप्लीट होती है तो जो बाकी का जो एक्शन है वो कंप्लीट होती है यानी इन फ्यूचर वो फुलफिल हो जाती है. देयर आर अदर कंडीशंस विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड. दीज आर इधर इमेजिनरी और इम्पॉसिबल कंडीशंस. कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जो कि इन फ्यूचर कंप्लीट नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है तो जो नेक्स्ट जो एक्शन होती है, जो नेक्स्ट जो क्रिया होती है वो भी कंप्लीट नहीं होती है. तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें पॉसिबल कंडीशन यानी जो संभव है, फ्यूचर में संभव हो सकती है यानी फुलफिल. इम्पॉसिबल कंडीशन यानी इम्पॉसिबल है, असंभव है यानी अनफुलफिल. और इमेजिनरी कंडीशन मीन्स हाइपोथेटिकल मीन्स हम सिर्फ इमेजिन करते हैं बट ये अनफुलफिल होती है. सो एग्जाम्पल है आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वॉन्ट. मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ यदि तुम चाहोगे. आई कुड हैव ट्रेन यू इफ़ यू हैड वॉन्टेड. मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता था यदि तुमने चाहा होता तो. आई कुड ट्रेन यू इफ़ यू वॉन्टेड मीन्स मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता यदि तुम चाहते. मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं. इफ़ यू विन द रेस आई विल ट्रेन यू. यदि तुम रेस जीत जाओगे तो मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा. इफ़ यू हैड वॉन द रेस आई वुड हैव ट्रेन यू. यदि तुमने रेस जीत लिया होता तो मैंने तुम्हें ट्रेन किया होता. इफ़ यू वॉन द रेस आई वुड ट्रेन यू. यदि तुम रेस जीत जाते तो मैं तुम्हें ट्रेन करता. सो इस तरह से ये पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल एंड ये सिर्फ इमेजिनरी कंडीशन है. नेक्स्ट है इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट. यदि बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे. इफ़ इट हैड रेन वी वुड नॉट हैव गॉन आउट. यदि बारिश हुई होती तो हम बाहर नहीं गए होते. इफ इट रेन We would not go out. यदि बारिश होती तो हम बाहर नहीं जाते. इस तरह से If you want help, I can ask my mother to help you. यदि तुम मदद चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए अपनी मम्मी से पूछ सकता हूँ. If you had wanted help, I could have asked my mother to help you. यदि तुम मदद चाहे होते तो मैं तुम्हारी मदद के लिए अपनी मम्मी से पूछ सकता था. वैसे ही इफ़ यू वांटेड हेल्प आई कुड आस्क माय मदर टू हेल्प यू. यदि तुम मदद चाहते तो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारी मदद के लिए पूछता. इफ़ वी वर्क हार्ड वी मे पास. यदि हम
हार्ड वर्क करेंगे तो हम पास हो सकते हैं. इफ़ वी हैड वर्कड हार्ड वी माइट हैव पास्ड. मीन्स यदि हम कठिन परिश्रम किए होते तो हम पास हो सकते थे, यानी हम पास हो जाते, यानी संभावना है. लेकिन ये असंभव है क्योंकि ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इम्पॉसिबल कंडीशन. इफ़ वी वर्कड हार्ड वी माइट पास. यदि हम हार्ड वर्क करते तो हम पास हो जाते या हो सकते. मीन्स यहाँ पे सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं. इफ़ यू आर अ बर्ड यू विल फ्लाई. यदि तुम एक पक्षी होते तो तुम उड़ते, तुम फ्लाई करते. इफ़ यू हैड बीन अ बर्ड यू वुड हैव फ्लोन. यदि तुम एक पक्षी हुए होते तो तुम उड़ते या उड़ चुके होते. इफ़ यू वर अ बर्ड यू वुड फ्लाई. यदि तुम एक बर्ड होते तो तुम उड़ते. तो यहाँ पे हमने देखा तीन कंडीशन, जो कि ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल कंडीशन, ये जो कंडीशन है वो इम्पॉसिबल कंडीशन, एंड ये जो कंडीशन है वो इमेजिनरी है, जिसमें हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, सिर्फ कल्पना करते हैं. सो इस तरह से हम देखते हैं, राइट द वर्ब्स ऑफ दिस सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब्स. यहाँ पे जिन्हें हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं उन सेंटेंसेस में कौन कौन से वर्ब्स हैं. जैसे यहाँ पे कैन ट्रेन, वॉन्ट, कुड हैव ट्रेन एंड हैड वॉन्टेड. यहाँ पे कुड ट्रेन एंड वॉन्टेड. सेकेंड में विल ट्रेन एंड वीन. इसमें वुड हैव ट्रेन एंड हैड वॉन. यहाँ पे वुड ट्रेन एंड वॉन. वैसे ही थर्ड में विल नॉट गो एंड रैंस. यहाँ पे वुड नॉट हैव गॉन एंड हैड रैन. यहाँ पे वुड नॉट गो एंड रैन. वैसे ही फोर्थ में कैन आस्क एंड वॉन्ट. यहाँ पे कुड हैव आस्क्ड एंड हैड वॉन्टेड. यहाँ पे कुड आस्क एंड वॉन्टेड. फिफ्थ में मे पास एंड वर्क. यहाँ पे माइट हैव पास्ड एंड हैड वर्कड. यहाँ पे माइट पास एंड वर्कड. सिक्स में विल फ्लाई एंड आर. यहाँ पे वुड हैव फ्लोन एंड हैड बीन. यहाँ पे वुड फ्लाई एंड वर्क. इस तरह से कुछ वर्ब्स निकाल सकते हैं. और इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है पॉसिबल कंडीशन में, एंड इम्पॉसिबल कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इमेजिनरी में ऑक्सिलरी वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है. इस तरह से हमने देखा पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन एंड इमेजिनरी कंडीशन. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. मीन्स ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं और उन वर्ब्स का हमें जो राइट फॉर्म है उसे हमें लिखने हैं. सो इफ यू विश टू बिकम अ गुड एथलीट यू ब्लैंक टू प्रैक्टिस हार्ड. सो यहाँ पे आ जाएगा विल हैव. तो इस तरह से यदि तुम एक अच्छे एथलीट बनने की इच्छा रखते हो तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस हार्ड. तुम्हें कठिन अभ्यास करना पड़ेगा. ट्रेनिंग विल वर्क इफ यू, यहाँ पे नो आ जाएगा, इफ यू नो हाउ टू यूज इट. मीन्स जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो काम करेगा. कब करेगा, यदि तुम जानोगे, इफ यू नो हाउ टू यूज इट. यदि तुम जानोगे कि इसका यूज कैसे करना है. इफ यू गेट अप अर्ली एंड ब्लैंक रन, मीन्स यहाँ पे रन दिया हुआ है, एट योर टॉप स्पीड यू ब्लैंक सी दैट यू कैन पेस क्विकली. यहाँ पे इफ यू गेट अप अर्ली एंड रन एट योर टॉप स्पीड यू, यहाँ पे आ जाएगा विल सी दैट यू गेन पेस क्विकली. मीन्स यदि तुम सुबह जल्दी उठोगे और दौड़ोगे अपनी टॉप पोजीशन पे, टॉप स्पीड पे, तो क्या होगा, तुम देखोगे कि तुम गेन करोगे स्पीड क्विकली, मीन्स पेस प्राप्त करोगे. इफ यू हैव डिटर्मिनेशन सक्सेस ब्लैंक फॉलो, मीन्स यहाँ पे फॉलो दिया गया है.
यदि तुम्हारे पास इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन, तुम्हारे पास यदि दृढ़ निश्चय है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, तब क्या होगा? सक्सेस यहाँ पे आ जाएगा, विल फॉलो, तब सफलता जो है वो फॉलो करेगी. एंड इफ यू ब्लैंक हार्ड यू कैन ओवरकम ऑल हर्डल्स. एंड इफ यू, यदि तुम कोशिश करोगे, इफ़ यू ट्राई हार्ड, यदि तुम कठिन कोशिश करोगे, तब क्या होगा? यू कैन ओवरकम ऑल हर्डल्स. तुम जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उन पर विजय हासिल कर सकते हो. नेक्स्ट है, इफ़ योर फैमिली ब्लैंक यू अप यू विल गेट सक्सेस इन अर्नेस्ट. इफ़ योर फैमिली, यहाँ पे आ जाएगा बूस्ट्स. यदि तुम्हारी फैमिली बूस्ट्स अप करती है तब क्या होगा? यू विल गेट सक्सेस इन अर्नेस्ट. तुम जल्दी ही सक्सेस हासिल करोगे. आई बिलीव इफ यू, यहाँ पे आ जाएगा हैव. मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारे पास, इफ़ यू हैव लेस मनी, यदि तुम्हारे पास कम पैसे हैं, यू विल नेवर फील द लैक ऑफ इट. तुम्हें, तुम जो है इसे कभी भी कम नहीं समझोगे, कम महसूस नहीं करोगे. नेक्स्ट हम देखेंगे इफ, इफ नॉट एंड अनलेस के बारे में. सो इफ, इफ का नेगेटिव होता है इफ नॉट, एंड अनलेस भी इफ का ही नेगेटिव पार्ट होता है. इफ एंड अनलेस दोनों ही कंजंक्शंस है, और कंजंक्शन का यूज़ हम कब करते हैं? कंजंक्शन का यूज़ हम दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस अथवा दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं. इफ का मीनिंग होता है यदि या फिर अगर. इफ नॉट का मीनिंग होता है नहीं तो, अगर नहीं या जब तक नहीं. अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, जो नहीं, बिना या जब तक नहीं. सो यदि देखा जाए तो जो इफ नॉट है और अनलेस है, दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है. यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ यू कम टू रायपुर यू विल मीट राम. यहाँ पे कंडीशन है, यदि तुम रायपुर आओगे तब यू विल मीट राम, तुम राम से मिलोगे. इफ़ यू डोंट कम टू रायपुर यू विल नॉट मीट राम. यदि तुम रायपुर नहीं आओगे, यदि ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो ये जो एक्शन है वो नहीं होगी. यदि तुम रायपुर नहीं आओगे तो राम से तुम नहीं मिलोगे, तुम राम से नहीं मिलोगे. यहाँ पे जो इफ़ है एंड डोंट है, मीन्स इफ नॉट वाला है, वो अनलेस के जैसा होता है, तो इसकी जगह पे हम अनलेस का यूज़ कर सकते हैं. अनलेस यू कम टू रायपुर, और जैसे ही हमने अनलेस का यूज़ किया, हमने डोंट को हटा दिया, यानी नेगेटिव पार्ट्स को हटा दिया. सो अनलेस यू कम टू रायपुर यू विल नॉट मीट राम, मीन्स जब तक तुम, या यदि तुम रायपुर नहीं आओगे, तुम राम से नहीं मिलोगे. अनलेस यू डोंट कम टू रायपुर यू विल नॉट मीट राम. यहाँ पे जैसे हमने अनलेस का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने नेगेटिव भी लिखा है, नॉट, डू नॉट का यूज़ किया है, डोंट का यूज़ किया है, तो ये जो सेंटेंस होगा वो इनकरेक्ट होगा. सो यदि हम अनलेस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उस पार्ट में डू नॉट या नॉट का यूज़ नहीं करते. सो अनलेस यू कम टू रायपुर यू विल नॉट मीट राम, ऐसा अगर हम लिखते हैं, डोंट का यदि यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा और ये जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा. अब हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स. लुक एट दिस सेंटेंसेस, दिस सेंटेंसेस हैव अ नेगेटिव इफ क्लॉज. इफ यू डोंट अटेंड स्कूल यू कैन नॉट ज्वाइन ऑस्कर. मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि तुम स्कूल अटेंड नहीं करोगे तो तुम ऑस्कर ज्वाइन नहीं कर सकते. इफ यू डोंट स्टडी यू वॉन्ट हैव अ फ्यूचर. यदि तुम स्टडी नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं होगा. अब जैसे कि यहाँ पे इफ़ एंड डोंट का यूज़ हुआ है, इसकी जगह पे हम अनलेस का यूज़ कर सकते हैं. बट अनलेस का यदि हम यूज़ करते हैं तो अनलेस के साथ कोई भी नेगेटिव पार्ट्स यानी नॉट का यूज़ नहीं होगा. जैसे अनलेस यू अटेंड द स्कूल यू कैन नॉट ज्वाइन ऑस्कर. अनलेस प्लस अफर्मेटिव वर्ब, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू इफ प्लस नेगेटिव. अनलेस यू स्टडी यू वॉन्ट हैव अ फ्यूचर, मीन्स इसकी जगह पे हमने इसका यूज़ किया है.
इफ यू डोंट स्टडी यू वॉन्ट हैव अ फ्यूचर. सो इसकी जगह पे हमने लिखा अनलेस यू स्टडी यू वॉन्ट हैव अ फ्यूचर. तो इस तरह से हम इफ नॉट एंड अनलेस का यूज कर सकते हैं. इन योर नोटबुक री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ. मेक चेंजेस वेर एवर नेसेसरी. यहाँ पे इफ एंड नॉट का यूज किया गया है. अब हम इफ या नॉट की जगह पे इफ नॉट की जगह पे अनलेस का यूज करेंगे. इफ माय पेरेंट्स डोंट गिव परमिशन द स्पोर्ट्स टीचर वॉन्ट एनरोल मी. यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे परमिशन नहीं देंगे तो क्या होगा, जो स्पोर्ट्स टीचर है वो मुझे एनरोल नहीं करेंगे. सो यहाँ पे हम इफ एंड डोंट की जगह पे लिखेंगे अनलेस. अनलेस माय पेरेंट्स गिव परमिशन द स्पोर्ट्स टीचर वॉन्ट एनरोल मी एंड इफ आई डोंट गो टू स्कूल ही वॉन्ट टीच मी टू प्ले फुटबॉल. यहाँ पे इफ एंड डोंट की जगह पे अनलेस आई गो टू स्कूल ही वॉन्ट टीच मी टू प्ले फुटबॉल. यदि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो वो मुझे फुटबॉल खेलना नहीं सिखाएंगे. मोर ओवर माई मदर सेज दैट इफ आई डोंट टेक राधा विथ मी सी वॉन्ट अलाउ मी टू ज्वाइन एनी स्पोर्ट्स टीम. मीन्स यहाँ पे इफ एंड डोंट की जगह पे अनलेस आई टेक राधा विथ मी सी वॉन्ट अलाउ मी टू ज्वाइन एनी स्पोर्ट्स टीम. यदि मैं अपने साथ राधा को नहीं लेकर जाऊँगा तो वो मुझे सी वॉन्ट अलाउ मी, वो मुझे आज्ञा नहीं देंगी कोई भी स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करने की. सो इस तरह से हम अनलेस का यूज़ करके सेंटेंस को लिख सकते हैं. अनलेस माय पेरेंट्स डोंट गिव परमिशन द स्पोर्ट्स टीचर वॉन्ट एनरोल मी. यहाँ पे जैसे ही हमने डोंट का यूज़ किया, क्योंकि हमने यहाँ पे अनलेस का यूज़ किया हुआ है, अनलेस हमने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस के शुरू में, तो यहाँ पे डोंट नहीं आएगा. सो ये हो जाएगा अनलेस माय पेरेंट्स गिव परमिशन द स्पोर्ट्स टीचर वॉन्ट एनरोल मी. वैसे ही नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई गो टू स्कूल अनलेस आई गो टू स्कूल ही वॉन्ट टीच मी टू प्ले फुटबॉल. वैसे ही मोर ओवर माय मदर सेज दैट अनलेस I take Radha with me, she won't allow me to join any sports team. So इस तरह से हम if not की जगह पे unless का use कर सकते हैं. बस याद रखना होगा कि यदि हम unless का use करते हैं तो उस part में negative use नहीं करेंगे, यानी not का use नहीं करेंगे, क्योंकि unless अपने आप में एक negative word है जबकि if एक positive word है. So I hope you understood this video lecture very well. I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.